रूबरू हूं आपसे, मैं सीमा सिंह। आप सभी मित्रों को नमस्कार, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि आज रूबरू हुई हैं। हाँ, मैं कुछ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आपसे रूबरू हुई हूँ। देश इस समय स्तब्ध है, महिलाएं और बहनें डरी हुई हैं, बच्चियों को समझ नहीं है, लेकिन बच्चियों की माएँ, दादी, नानी सब डरी हुई हैं। देश में सनसनी फैली हुई है और आप सभी समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मैं बता दूँ, महिला डॉक्टर मोमिता देवनाथ की रेप के बाद मेडिकल कॉलेज में हत्या हुई। कोलकाता के लाल बाजार स्थित आरजी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8/9 अगस्त के दरमियानी रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। जिस राज्य की हेड एक महिला हो और जिस राज्य से 11 महिला सांसद हों, उस राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बेटी को बचाएं कैसे? ना तो वो पेट में सुरक्षित हैं और ना वो बाहर जाकर सुरक्षित हैं। मैं सही कह रही हूं ना? तो क्या इस सब में हमारा आपका कोई दोष नहीं है? क्या हम आप मिलकर अपनी बहनों बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते? देखिए, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बलात्कार होना किसी भी महिला के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भयावह और अपमानजनक अनुभव होता है। ये लगभग हमेशा पीड़िता को आत्मघृणा, आत्मदोष और क्रोध की भावनाओं से भर देता है। तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं सभी पुरुष भाइयों से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सभी भाई बनकर बहनों की रक्षा करें। सभी पुरुष भाइयों से निवेदन है कि शपथ लें कि बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाने के साथ साथ अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प भी लेना है। अगर आपके सामने किसी की बहन की दुष्कर्मियों से आप रक्षा कर रहे हैं, है तो अपने भारतीय परंपरा के अनुसार आपकी भी बहन हो, तो आपकी बहन भी कहीं सुरक्षित है, कहीं दूसरी जगह, ये मान के चलिए, क्योंकि कोई और भाई उसकी रक्षा अवश्य कर रहा है या रक्षा करने के लिए खड़ा है। ये एक सामाजिक चेतना है जो हमें जगाना है। हर पुरुष उस महिला का भाई है जो निरी खड़ी दुशासन से चीर हरण करवा रही अपने भाई कृष्ण की गुहार लगा रही है। कृष्ण बन जाइए और बहन द्रौपदी की रक्षा करिए, तब कोई भी बहन दुष्कर्मियों से पीड़ित नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है। हर पुरुष से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बच्चों में, अपने लड़कों में ये भावना डालिए, ये संस्कार बनाइए कि हर महिला उनकी बहन है, हर महिला उनकी माँ है, हर महिला उनकी बेटी है। कोई सरकार आकर हमारी रक्षा नहीं कर सकती जब तक हम खुद भी अपनी चेतना को जागृत ना करें। मुझे उम्मीद है, बहुत छोटा सा प्रयत्न है, बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए, माँ बनकर बहनों की, छोटेपन से बहनों की रक्षा करना सिखाइए। बच्चों को हर रक्षाबंधन के अवसर पे समझाइए कि बहन जो रक्षा सूत्र तुम्हें बांध रही है, उसका असली अर्थ क्या है। केवल गिफ्ट देना उसका अर्थ नहीं होता है कि आपने बहुत महंगी सी गिफ्ट दे दी और शो ऑफ कर दिया और बहन आपकी खुशी से उछलती कूदती और फोटो खिंचवा रही है और सोशल मीडिया पे डाल रही है, रील बना रही है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। लेकिन भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना का सही अर्थ भी बेटे को, उस लड़की के भाई को, बेटी के भाई को, अपने बेटे को समझाइए। मेरे चैनल की सुपरिचित और सुप्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी, जो स्वयं एक बहुत बड़ी नामी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं हैदराबाद की, वो
डॉक्टर मोमिता देवनाथ की तरफ से एक कविता में अपने भाव प्रस्तुत कर रही हैं। मोमिता के भाव प्रस्तुत कर रही हैं, बहुत ही मार्मिक है। आप सुनिए और अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रतीक्षा करूंगी और आपसे आगे भी मिलती रहूंगी। अब आप डॉक्टर संगीता झा जी से कविता सुनिए जो उन्होंने डॉक्टर मोमिता देवनाथ के ऊपर नहीं लिखी है, उनकी वाणी बन गई हैं वो, क्योंकि वो तो बेचारी रही नहीं इस दुनिया में जो कुछ बता सकें। तो प्रस्तुत है डॉक्टर संगीता झा जी स्वयं कविता, वो स्वयं स्वरचित उनकी कविता वो स्वयं पढ़ रही हैं। मैं मरी नहीं, आज भी जिंदा हूँ हर उस महिला डॉक्टर में जो कर रही है अपनी ड्यूटी। इतना सब होने पर भी वो है अपने काम में जुटी। क्योंकि क्योंकि हम सब ने छुटपन में सपने बोए थे, बरसों उन सपनों में हम सोए थे। डॉक्टर बनकर हर इच्छा हुई मेरी पूरी, मरीजों की सेवा कर न रही कोई चाह अधूरी। 8 अगस्त की वो अंधेरी रात 36 घंटे की ड्यूटी मिली सौगात। देखे मैंने उस दिन मरीज हजार, थककर भी मैं नहीं हुई बेजार। थोड़ी देर क्या गई मैं सुस्ताने, फिर इंसानियत हुई शर्मसार। हुआ मेरा बलात्कार, दरिंदे चीर चीर गए मुझे, क्या हाथ क्या मेरा पेल्विक गर्डल। करना चाहा अपनी दरिंदगी को, नाम सुसाइड का दे सेटल। स्तब्ध हूँ मैं इस खामोशी पर, व्याकुल हूँ इस संवेदनहीनता पर, इस सभ्य समाज की। कुछ बरस पुरानी बात है, इस हैवानियत से कभी निर्भया भी गुजरी थी। तब सड़कों पर पूरा भारत निकला था, उम्मीदों का एक सैलाब चला था। फिर आज ये शांति खामोशी किस लिए, रो रो कर कह रही है मेरी माँ। काश तू बेटा होती तो शायद जिंदा होता उसकी आंखों का मोती। अब मेरी इस बलि को व्यर्थ न जाने देना, किसी और को निर्भया न बनने देना। भर लो इन आंखों में आक्रोश, जगाओ इस जनगण का कण कण, कर दो पूरी दुनिया को खबरदार। बन जाओ इस समाज के पहरेदार।